बीजेपी कार्यालय में होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष संजय नरुका, जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, जिला महामंत्री पवन, पूर्व ग्रामीण विधायक जयराम जाटव, किसान मोर्चा प्रदेश, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहनलाल सुलानिया, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी एवं बीजेपी पदाधिकारियों ने जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि शहीद स्मारक पर जाकर दी। भारतीय जनता पार्टी अलवर जिले की तरफ से 16 दिसंबर को जन आक्रोश रैली का आयोजन रखा है। इस आयोजन में हम पूरे जिले भर के 11 की 11 विधानसभाओं से सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे सरपंच हों, चाहे पंच हों, और चाहे जिला परिषद के मेंबर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, वह सब लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। आज इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा की बैठक केडरगंज कार्यालय में हमारे इस रैली के जो संयोजक हैं आदरणीय दिनेश जी भार्गव साहब, जो प्रदेश में किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष भी हैं, आपके नेतृत्व में यह रैली का आयोजन होगा। इसमें हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जयराम जी जाटव साहब, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष देशराज जी वर्मा साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सोला जी सोलानिया साहब और पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय रमन गुराटी जी, महामंत्री आदरणीय परमन जी जैन साहब, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी जी, जिले की उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव जी, बनवारी जी मंडल अध्यक्ष जय भगवान जी, पूर्व अध्यक्ष एसटी मोर्चा, इस तरह से अनेकों कार्यकर्ता बहनें हमारे यहाँ उपस्थित हुई हैं और सबने एक योजना बनाई है कि किसी भी तरह से एक विधानसभा से हम 1500 कार्यकर्ताओं की संख्या हम यहाँ पर लेकर आएंगे। स्वयं अपने साधनों से सारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, हर बूथ स्तर तक से कार्यकर्ताओं को लाने का, और जनता का जो आक्रोश है इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमारे राज्य में, जिस तरह से हमारे यहाँ दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, गैंगरेप्स बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर राज बढ़ रहा है, दुनिया भर की अनैतिक कार्य जो कांग्रेस सरकार में बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या फिर कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली की दरें महंगी हैं, पेट्रोल की डीजल की दरों में कमी नहीं कर रही है सरकार, इन सभी चीज़ों की जो जनता की मेन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनका संबल बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को चेताने के लिए, सजग करने के लिए यह रैली की जाएगी। 16 तारीख को सब लोग केडलगंज स्थित ग्राउंड में हम सब लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद यहाँ सभा करके हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे।